हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर स्वप्निल और आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है ऋतु हरिश्ची। हरिश्ची को ही हम मराठी में उसको हिरडा कहते हैं, उसको लैटिन में टर्मिनल टिबुला कहते हैं। तो ऋतु हरिश्ची के बारे में चर्चा करने के पहले हम जरा हरिश्ची के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम समझ के लेते हैं कि हरिश्ची क्यों इतना इम्पोर्टेंट कहा गया है, हरिश्ची को क्यों इतना महत्व दिया गया है। तो देखिये, सबसे बड़ा ग्रंथकार थे जिसने आयुर्वेदिक वनस्पति के वर्णन किया है वो है भावप्रकाश। भावप्रकाश जैसा ग्रंथकार जिसको वनस्पति का इतना सारा नॉलेज था कि उसने भावप्रकाश निघंटु जैसे इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, तो वो हरिश्ची को माता करके कहलाते। उन्होंने हरिश्ची का पर्याय नाम उसने माता बोला है। उन्होंने माता यानी क्या, माता यानी माँ। माता जिस तरीके से हर ऋतु के हिसाब से अपने बच्चों के ऊपर अलग संस्कार देती है, जिससे बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होती है, उसी तरीके से हरिश्ची भी है अपने शरीर को उसी तरीके से ऋतु के अनुसार अगर हम उसका सेवन करते हैं तो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट अपने बॉडी में होती है। इसलिए हरिश्ची को माता ये पर्याय दिया गया है। दोस्तों, ये हरिश्ची वही है जो त्रिफला में पाई जाती है। त्रिफला से हम सभी फैमिलियर है। त्रिफला यानी आमला, बेहड़ा और हीड़ा, जो उसमें से हीड़ा जो है ये वही हरिश्ची है। दोस्तों, इसका उपयोग भी हर घर में काफी बार किया जाता है त्रिफला के फॉर्मेट में, लेकिन हरिश्ची सिंपल प्लेन हरिश्ची का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो उसके बारे में समझ के लेते हैं। तो देखो, हरिश्ची के बाद पहले गुण के बारे में चर्चा करेंगे उसके, कि गुण क्या क्या है उसके। ठीक है, तो गुण अगर देखेंगे तो हरिश्ची का रस है वो पंचरसात्मक है। मतलब क्या है कि देखो, नॉन मेडिकल लोगों के लिए अगर मैं बताना चाहूंगा कि आहार जो है ये हमेशा आपने कई बार सुना रहेगा कि षड रसात्मक आहार होना चाहिए, उसमें छह के छह रस उसमें होने चाहिए वगैरह, ये आपने सुना रहेगा। तो ये वही हरिश्ची है जिसमें षड रस में से पांच रस है, उसमें पांच रस, ठीक है, सिर्फ लवण छोड़ के, मतलब जो सॉल्ट का जो रस होता है वो छोड़ के सभी पांच रस इसमें है। तो इट्स लाइक यू नो कम्प्लीट आहार ये एक हरिश्ची से अपने को मिल सकता है। तो इसमें पांचों रस है, मधुर, आम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये पांचों रस उसमें एक्सेप्ट लवण, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके बाद में बात करते हैं गुण के बारे में। गुण उसके क्या है, तो गुण तो ऐसे उसके हरिश्ची के बहुत सारे गुण है दोस्तों, लेकिन उसमें से भी हम इम्पोर्टेंट गुण के बारे में बात करेंगे जो प्रैक्टिस में हमको देखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण उसका, सबसे इम्पोर्टेंट दो, ये उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है, वो है उसका सार गुण। सार गुण यानी क्या है कि ऐसा कोई भी चीज जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बॉवल मूवमेंट, इन सब चीजों को, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। बॉयल मूवमेंट को आपका बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, सो दैट अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है जिसको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, तो वहां पे जो हरिश्ची है बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। फिर उसके बाद में उसको मेद्य बोला है। मेद्य यानी क्या होता है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसमें होती है, लाइक मतलब वो अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद में उसको दोषज्ञ बोला गया। मतलब क्या है कि ये शरीर में अगर कोई भी दोष का प्रकोप अगर हुआ रहे, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों में से, तो उसको ये बैलेंस करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको कहा गया है वर्ण्य कहा गया है। ये अपने मतलब स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत फायदेमंद होती है वाली दवाई। इसका स्किन के ऊपर ग्लो लाना, इन सब के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर उसके बाद में इसको कहा गया है लेखन कहा गया है। लेखन यानी क्या होता है कि मतलब वेट लॉस के लिए इसका काफी अच्छा रिजल्ट होता है, या फिर इसको जैसे कोई छोटी सी सिस्ट अगर है बॉडी में, कुछ गांठ है, तो उसका भी लेखन करके, मतलब वो सिस्ट को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टीज इसमें होती है, फैट को डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टीज इसमें होती है, तो इसलिए लेखन भी इसका बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें बताई है। दीपन पाचन यानी क्या है कि भूख नहीं लगना, अन्न का पचन बराबर नहीं होना, तो ये सब चीजें, तो इसके ऊपर भी हरिश्ची का बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज है। तो फिर उसके बाद में इसको चक्षुष बोला गया है, मतलब ये आंखों के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है। ये हो गया उसके गुण के बारे में वर्णन। तो दोस्तों, ये सब गुण बाकी आयुर्वेदिक वनस्पतियों में भी है, लेकिन फिर भी हरिश्ची को ही क्यों माता कहा गया है, हरिश्ची को ही क्यों, उसी को क्यों इतना महत्व दिया गया है, तो इसलिए उसका आगे मैं एक्सप्रेशन देता हूँ दोस्तों कि हरिश्ची जो है ये ऐसे उन वनस्पतियों में से है जिसका सेवन हम थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में कर सकते हैं, और वो भी उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई बीमार हो, हम कोई मतलब किसी बीमार, कोई शरीर में दोष का प्रकोप हुआ हो, कोई जरूरत नहीं। एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसे कोई बीमारी नहीं है वो भी इस हरिश्ची का सेवन कर सकता है अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो वो हेल्दी इंडिविजुअल ने ऋतु के अनुसार थ्रू आउट द ईयर हरिश्ची का सेवन कैसे करना चाहिए, उसी को हम ऋतु हरिश्ची कहते हैं, और इसी का वर्णन भाव प्रकाश ने कुछ इस तरीके से कहा है।
तो भाव प्रकाश कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हरित टी का सेवन ये सॉल्ट के साथ करना चाहिए, लवण के नहीं, नमक के साथ करना चाहिए। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु अभी चालू होने वाला है, तो वहाँ पे हरित टी का सेवन जो है वो सॉल्ट यानी नमक के साथ करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा रेनी सीजन में होने वाले जो बीमारियां है उनसे दूर रहने का एक अच्छा एक वहाँ पे उपाय साबित होता है। फिर उसके बाद में शरद ऋतु में उसका सेवन शुगर के साथ यानी शर्करा के साथ उसका सेवन करना चाहिए, सम मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हेमंत ऋतु में यानी क्या, यानी अर्ली विंटर होता है ये वाला, ठीक है। तो अर्ली विंटर में उसका सेवन शुंठ यानी जिंजर यानी जो सूखा हुआ अदरक होता है उसके साथ हम उसका सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद में शिशिर यानी ये एक्चुअल विंटर, तो यहाँ पे शिशिर में हरित टी का सेवन पिंपली के साथ करना चाहिए। पिंपली यानी पाइपर नाइग्रम होता है यानी मतलब पिपली करके काफी बार मार्केट में मिल जाता है इजिली। और फिर उसके बाद में आता है वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग, यहाँ पे वसंत ऋतु में हरित का सेवन जो है हनी के साथ यानी शहद के साथ उसका सेवन करना चाहिए, मध के साथ उसका सेवन करना चाहिए। एंड लास्ट में आता है ग्रीष्म ऋतु यानी यहाँ पे समर अपना, तो वहाँ पे समर में हरित का सेवन जो है गुड़ के साथ करना चाहिए, जैगरी जिसको हम कहते हैं उसके साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 ऋतु में 6 अनुपान बताए हरित का सेवन करने के लिए। तो अगर हम इस तरीके से हम हरित का सेवन अगर करते हैं तो वो ऋतु में होने वाली बीमारियां जो है उससे हम काफी हद तक दूर रह सकते हैं दोस्तों। हरित टी का महत्व हम और कई एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगो अपि सर्व अग्नि मानते, यानी क्या है, सर्व रोग का कारण जो है ये तुम्हारा खराब डाइजेस्ट सिस्टम ये माना गया है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड वायरल डिसीजेस। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर कोई औषधि है जो काफी हद तक बहुत अच्छी दवाई है तो वो उनमें से वो है एक हरित टी है, जिसका सार गुण जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को और बहुत अच्छे से काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि हरित टी को ही वातानुलोमन द्रव्य कहा गया है, कि हरित टी पथ्यनाम श्रेष्ठ कहा गया है, यानी हरित टी जो है वातानुलोमन करते हैं, यानी क्या है कि ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक जो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करती है दोस्तों। तो इसलिए अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर क्लियर रहता है तो आप ऑटोमेटिकली काफी हद तक काफी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हरित को इतना महत्व दिया गया दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत प्रोत्साहित करता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब। और अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, अगली बार मैं वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूँ।